CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार, एक नई जिंदगी के एक और एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवारजनों के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हैं और परमेश्वर की नजदीकी में भी आप बढ़ते जा रहे हैं। समी जी, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें आंखें बंद और दर्शकों ठीक है जी, और दर्शकों आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन को याद करिए। अपने बचपन की यादों को आप ताजा करिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और एक पेपर और पेन पर जो भी यादें आपके मन में अभी आई उन्हें आप लिख सकते हैं। दोस्तों, ये यादें कैसी थी? क्या ये सुखद थी या इन यादों के द्वारा कुछ पुरानी बातें ताज़ा हो गई जो आपको चोट पहुंचा रही हैं या जो आपको दर्द दे रही हैं? अगर ऐसा है तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने चाइल्डहुड की या बचपन की जो तकलीफ की जो बातें हैं उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और परमेश्वर तो चाहता है कि हम चोट में ना जिए, वो चाहता है कि हम पुरानी बातों को भूलकर एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को शांति और आनंद के साथ जिए। जी बिल्कुल समी जी, परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक बहुतायत का जीवन जिए, चाहे कुछ भी हमारे पास्ट में या हमारे बचपन में हुआ हो, लेकिन वो हमारी मदद करता है कि हम आगे बढ़ते हुए एक भरपूरी का जीवन जिए। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं चार्ल्स से, जिन्हें बचपन में सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे उनकी पर्सनालिटी पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन आज जब हम चार्ल्स से मिलते हैं तो वो बहुत खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। ये बदलाव कैसे मुमकिन हो पाया? आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। मुझे कभी मेरे पापा का प्यार नहीं मिला। मुझे याद ही नहीं कि उन्होंने मुझे कभी संभाला हो। चार्ल्स बहुत छोटे थे जब उनके पिता ने परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। चार्ल्स को हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी। मुझे कभी याद ही नहीं कि मैं बचपन में किसी खिलौने से खेला या कभी अच्छा खाना खाया। इसका कारण मेरे पापा थे, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं थी। उनकी माँ कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालती थी। जब वो काम पर जाती थी तब चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। पड़ोस के एक अंकल थे, वो हमारे साथ खेलते भी थे। उस दिन चार्ल्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका बहुत बुरा असर उन पर पड़ा। वो बहुत भयानक था, मैं उससे घबरा गया था, जिसके कारण मुझे बाहर जाकर खेलने में भी डर लगता था। मैंने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। चार्ल्स ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था और जब वो क्लास थर्ड में आए तो उनकी माँ ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल मेरे लिए और भी ज्यादा बुरा था। वहाँ पर बड़े लड़के भी मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे। सालों से हो रहे दुर्व्यवहार से चार्ल्स शर्मिंदगी महसूस करते थे। मुझे संबंधों को लेकर दुविधा हो गई थी, लेकिन मुझे ये भी लगता था कि जो हो रहा है वो गलत है। चार्ल्स कॉलेज की पढ़ाई के साथ नौकरी भी करते थे और जो भी सैलरी मिलती थी उसे वह दोस्तों में उड़ा देते थे। एक समय आया जब समलैंगिकता मेरे लिए आम बात हो गई थी। इस तरह चार्ल्स अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मैं किसी लड़की पर आकर्षित हुआ था, यह मेरे लिए शॉकिंग था। कुछ समय बाद मैंने शादी कर ली। मैं सोच रहा था कि शादी के बाद मेरे पुराने मसले सुलझ जाएंगे। कुछ साल सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन मैं फिर से उसी दलदल में फंस गया। दोहरा जीवन जीते हुए चार्ल्स तंग हो चुके थे। वो इन सब से बाहर निकलना चाहते थे और फिर उन्हें यूथ मीटिंग का पता चला। वहाँ मैंने जाना कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है।
और जब यौन शोषण होता है तो उसका जीवन पर कितना गलत असर पड़ता है। चार्ल्स ने अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांगी और अपनी पत्नी को भी सच बता दिया। मुझे यह अनुभव हुआ कि यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा किए हैं और मैं परमेश्वर की संतान। इसके बाद मैंने अपने फादर को और उन सभी लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। मेरी वाइफ ने भी मुझे माफ कर दिया था। आज चार्ल्स एक पास्टर हैं और लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं और इसके साथ ही वो एक अच्छे पति और पिता भी हैं। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ और एक पिता के प्रेम को समझने लगा जैसा कि पिता परमेश्वर ने मुझसे किया। बिल्कुल सही कहा आपने रिबेका, चार्ल्स के कॉन्फिडेंस को देखकर मैं भी हैरान हो गया। सचमुच परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य उसकी जिंदगी में किया है। जी बिल्कुल समीर जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हम एक नई सृष्टि होते हैं, हमारा जीवन नया हो जाता है और परमेश्वर हमारी बॉडी और सोल में भी हीलिंग लेकर के आते हैं। बिल्कुल, हम नहीं जानते कि आप अपने बचपन में कैसी परिस्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन अगर आपने भी अब्यूज का सामना किया है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी डैमेज हुआ है अलग अलग तरीक़ों से, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी घटनाएं हुई जिसका असर आपकी ज़िंदगी पे रह गया है, तो आज परमेश्वर कहना चाहता है कि एक आशा है। शायद आपके अंदर कड़वाहट आ गया होगा उन लोगों के प्रति, शायद आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, शायद आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि आप बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह इस धरती पे आए ताकि वो खोए लोगों को बचा सके, ताकि वो जो पीड़ा में है वो जान सके कि यीशु है। दोस्तों, यीशु मसीह जब इस धरती पे थे वो हर एक किस्म के व्यक्ति को स्वीकार करते थे, अपनाते थे। एक कहानी है जहां लेवी के घर पे खाने का दावत था, यीशु मसीह वहां पर गए थे, वहाँ पापी लोग आ रहे थे, जो चुंगी लेने वाले थे आ रहे थे, अलग अलग किस्म के लोग वहाँ पर आ रहे थे और लोग हैरान हो गए और वो पूछते हैं कि ये यीशु मसीह ऐसा क्यों करते हैं, इस तरह के अलग अलग किस्म के लोग के को क्यों स्वीकार करते हैं, क्यों जो थके हुए हैं, जो पापी हैं, जो पीड़ा में हैं, अलग अलग लोग यीशु के पास क्यों जाते हैं। यीशु ने कहा, जो स्वस्थ है उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बीमार है उसे डॉक्टर की जरूरत है। मैं आया हूं ताकि जो बीमार हैं, जो पाप में हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें मैं ठीक कर सकूं। दोस्तों, ये यीशु का हृदय है। आप जो भी परिस्थिति में हैं, आप ये जाने कि यीशु मसीह आया है एक बड़े डॉक्टर के समान, ताकि वो आपको ठीक कर दे। ही कैन हील यू, वो तुम्हारी पुरानी चीजों को मिटा सकता है और एक नई शुरुआत आपको दे सकता है। आइए इस वचन को हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों 5:17-18 ये कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ये क्या कह रहा है? जब हम यीशु के पास आते हैं और यीशु को स्वीकार करते हैं, पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। दोस्तों, आशा है। पुरानी बातें को अब फिर से अपनी जिंदगी में मत लाओ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहा है, एक नई जिंदगी वो हमें देता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है एक ब्रेक लेने का, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जानेंगे कि क्या हमारी जो सुपरबुक एनिमेटेड सीरीज है ये बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकती है। सो स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून्ड इन टू कॉयर म्यूजिक। एक नई जिंदगी में देखिए, पहली बार CBN पेश कर रहा है चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट, जिसमें इस बार की कॉयर है सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमसे कनेक्ट कीजिए
और क्या पता नेशनल टीवी पर अगली कॉयल आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में हुए चाइल्ड अब्यूज की जो फीलिंग्स हैं, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, इसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे हीलिंग पा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी ये जो पूरे महीने चल रही वेलनेस ऑफ बॉडी एंड सोल सीरीज में हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा आपकी मदद करें ताकि आप इस हीलिंग को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकें। अभी कुछ देर पहले समीर जी ने वचन के द्वारा हमें इनकरेज किया और अब समय है कि हम प्रार्थना करें। दोस्तों आज हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप भी विश्वास के साथ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ें, फिर आपकी ये जो फीलिंग्स हैं या जो भी आपके मन में गुस्सा है अपने बचपन की बुरी यादों को लेकर के, इसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो ये सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आप परमेश्वर की हीलिंग को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें और इससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी हैं। आज की ये पहली रिक्वेस्ट हमें भेजी है कुलवंत ने और ये कह रहे हैं, मैं अपने माता पिता से अलग रहता हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी मानसिक बीमारी की वजह से उन्होंने मुझे अस्वीकार किया है, इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए ताकि जो बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ उन दर्दनाक यादों को मैं भुला सकूँ। बिल्कुल कुलवंत, हम आपके लिए इस समय प्रार्थना करेंगे जी। और एक और मैसेज समीर जी हमारे पास आया है अमनप्रीत से और ये कह रही हैं, मेरे पिता मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, मेरे पिताजी मुझसे बहुत गाली गलौज भी करते हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अमनप्रीत और कुलवंत। अमनप्रीत, हम समझ सकते हैं कि आप भी बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर रही हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। आप भी ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि बचपन में बहुत बुराई का सामना करना पड़ा, शायद इस समय भी आप बुराई का सामना कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको मदद करेगा। वो हमारा सहायक है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम मांगते हैं कुलवंत के लिए, मांगते हैं अमनप्रीत के प्रभु पिताजी के लिए, मांगते हैं इन दोनों परिवारों के लिए मांगते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जो भी बीती चीज़ें हैं प्रभु, जो बुरी चीज़ें हो चुकी हैं प्रभु, वो प्रभु पीछे ही रह जाएंगी। हमारी ये प्रार्थना है कि एक नई शुरुआत तू इन्हें देगा। हमारी प्रार्थना है कि जैसे तेरा वचन कहता है कि तू सब कुछ नया करता है, प्रभु आज हम मांगते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ तू नया करेगा। प्रभु जो भी परेशानी है इसमें तो एक हल लेकर आएगा। हम मांगते हैं मनप्रीत के पिताजी के लिए प्रभु कि उनके अंदर एक बदलाव तू लेकर आएगा, परिस्थिति में तू एक बदलाव लेकर आए यीशु मसीह, हम तुझसे मांगते हैं। हमारी प्रार्थना है उन सब के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद इस समय सताए जा रहे हैं, शायद परेशान हैं, शायद बचपन की यादें इन्हें खाए जा रही हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर कि तू आकर इन्हें छुएगा, तू आके प्रभु इनके हृदय को छुएगा, तेरे प्रेम से इन्हें भर दे, इन्हें तू क्षमा कर, उन्हें एक तू एक नई जिंदगी दे। ये जाने कि एक परमेश्वर है जो हील करता है, जो सब चीज ठीक कर देता है। आप प्रभु इन सब के ऊपर तेरी आशीष हो, हम तेरे नाम से ये मांगते हैं, आमेन। दोस्तों यीशु में विश्वास करो, वो सब कुछ नया कर देता है। दोस्तों जब हमें बाहर से चोट लग जाती है, शरीर पे जब हमें चोट लगती है या घाव लगते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी मलम पट्टी करते हैं और दवाई देते हैं ताकि हमारे जो घाव हैं वो भर जाएं। लेकिन जब हमें अंदर से चोट लगती है, हमारे मन में जब हमें चोट लगती है, तब क्या, तब परमेश्वर भी ऐसा ही कुछ करते हैं। आइए इस वचन में हम देखते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपके जो अंदरूनी घाव हैं परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हील कर दिया है।
जी बिल्कुल समीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आज़ादी देते हैं, और अगर आप इस आज़ादी में लगातार जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और आपको इंकरेज भी करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप ज़रूर कॉल कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह परमेश्वर कई लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है, वैसे ही वो आपकी ज़िंदगी को भी बदलना चाहता है। और ऐसे ही बदलाव की कहानी हम लेकर आए हैं आंध्र प्रदेश से, जहां हम मिलेंगे नन्ही शैलजा से। शैलजा ने अपने मोटापे की वजह से बहुत सारे ताने सुने, जिससे उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। लेकिन जब उसने हमारी सुपरबुक एनिमेटेड सीरीज देखी, तो उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये ऐसा क्या हुआ, आइए शैलजा से मिलते हैं और जानते हैं। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि मैं मोटी हूँ, मुझे बुरा लगता था। मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पाती थी, मेरा सारा ध्यान मेरे शरीर पर ही था। मुझे लगता था मैं क्यों मोटी हूँ, मैं ठीक से नहीं खाती थी, मुझे बुरा लगता था। शैलजा अपने शरीर से जुड़े खराब अनुभवों के विषय में किसी से बात नहीं करती थी, अपने माता पिता और टीचर से भी नहीं। मैं प्रार्थना करती थी और परमेश्वर से पूछती थी उन्होंने मुझे मोटा क्यों बनाया। मैं उनसे कहती थी मुझे पतला बना दो। शैलजा जब अपने वजन को लेकर आने वाले बुरे विचारों से संघर्ष कर रही थी, उस समय वो अपने ट्यूशन सेंटर में सुपर बुक देखती थी। ये कहानियाँ उसके लिए बहुत मददगार साबित हुई। जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया वो थी जेकब और इसाऊ की कहानी, और मैंने ये सीखा कि परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। शैलजा ने इस तरह से अपने शरीर के साथ सहज होकर जीना सीख लिया, जैसा कि उसको परमेश्वर ने बनाया था। वो हर तरह से अब उसी पर निर्भर थी। मुझे लगा उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा अगर मैं इस बात को समझूंगी। अब मैं परमेश्वर की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं ये भी प्रार्थना करूंगी वो हमेशा मेरे साथ रहे। आज शैलजा खुश और विश्वास से भरी हुई लड़की है। वो अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही है। सुपर बुक से उसने सीखा कि संसार में और भी बहुत कुछ है शरीर और वजन के आकार के अलावा। मुझे पता है वो मेरी हर प्रार्थना का जवाब देंगे। अगर मैंने सुपर बुक नहीं देखी होती तो मुझे जिंदगी में कई बातों का पता नहीं चलता। अपनी पढ़ाई में भी मैं अच्छा नहीं कर पाती, और मेरे अंदर जो बुरा ख्याल था वो भी कभी नहीं जाता। जब मैंने सुपर बुक देखी तो मुझे ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर पाऊँ। दोस्तों, शैलजा को अब मोटापे से या कोई भी बात से अब फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अब शैलजा जानती है कि यीशु मसीह उसके साथ है, उसे प्रेम करता है, और ये सुपर बुक के जरिए वो जान सकी। जी बिल्कुल समीर जी, सुपर बुक एनिमेटेड सीरीज बच्चों के लिए एक बेहतरीन टूल है, ताकि बच्चे परमेश्वर की बातों को आसान तरीके से समझ सकें। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को सुपर बुक दिखाना चाहते हैं तो ये DVD के फॉर्म में भी अवेलेबल है, और आप हमारे सुपर बुक इंडिया के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं सुपर बुक के साथ। साथ ही अगर आपके बच्चे संडे स्कूल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमारे संडे स्कूल विद सुपर बुक एट होम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हर संडे 3:30 बजे हमारे सुपर बुक फेस पर होता है। आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और बच्चे परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ अपने जीवन में जान सकते हैं और उनके मार्गों पर चल सकते हैं। सो डू टेक टाइम आउट एंड गेट योर चिल्ड्रन इन्वॉल्व विद सुपर बुक, स्पेशली इस आइसोलेशन के टाइम जब बच्चों के पास बहुत सारा समय है। बच्चे अगर ये अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में जानेंगे तो परमेश्वर की करीबी में और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात रिबेका के मम्मी पापा से कराएंगे और जानेंगे रिबेका के बचपन की कुछ बातें। क्या आपने हमारे CBN फाउंडेशन का फेसबुक पेज देखा है? वहां पर आपको मिलेगा CBN फाउंडेशन के कार्यों को नजदीकी से जानने का मौका, बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली कहानियां, मधुर गीत और कई प्रेरणादायक बातें। CBN फाउंडेशन पेज को आज ही जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। वेलकम बैक दोस्तों,
जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने प्रोग्राम में जाना कि बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में कुछ न कुछ घाव एक्सपीरियंस किए हैं। वैसे आम तौर पे बचपन एक बहुत ही सुनहरा समय होता है, जब हम छोटी छोटी कश्तियाँ बनाते हैं, पेपर से उन्हें पानी में डालते हैं, पेड़ों की छाँव में बैठते हैं, डॉल्स के साथ खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ मज़े करते हैं। आइए इसी बात पर आज हम एक कविता सुनते हैं अनुग्रह एडमंड से, जो हमें हमारी बचपन की यादें ताज़ा कराएगा। बचपन के दिन भी क्या खूब थे, सिर्फ अपने से मतलब था, दुनिया जमाने की बातों से दूर थे। एक मासूमियत थी, शैतानी थी, नादानी थी, वो खेलते खेलते दूर तक चले जाना और फिर डर के वापस चले आना, वो इंतजार करना छुट्टियों का और फिर इंतजार करना स्कूलों के वापस खुल जाने का। वो दिन भी क्या खूब थे, वो बहाने बनाकर माँ से चले जाना बारिश में और फिर अपनी नाव बनाना और उसे चलाना, वो देर तक उस बारिश में भीगना और फिर घर आके वो प्यारी सी डांट खाना। वो दिन भी क्या निराले थे, दोस्ती भी क्या अजीब थी, बचपन की हर बात निराली थी, दोस्ती अजीब थी, रिश्ते निराले थे। वो इंतजार करना लाइट के चले जाने का और फिर छुपा छुपी में सबको ढूंढना, वो थक कर घर वापस आ जाना और सोने से पहले कल का प्लान बनाना, ना रोटी की परवाह थी, ना रोने की वजह और ना हंसने का बहाना था। वो दिन भी क्या खूब थे, वो छत पर पतंग उड़ाना और पतंग लूटने के लिए दूर तक चले जाना, फिर वापस आके पापा की खूब सारी मार खाना, लेकिन फिर वो पतंग लूटने की कहानी सबको बताना। वो भी क्या दिन थे, वो मट्टी के घर बनाना और अपनी एक अलग सी दुनिया बसाना, वो बात बात पर लड़ना और फिर दूसरे ही पल मान जाना, मम्मी पापा का खूब सारा प्यार, गर्मियों की छुट्टियों का प्लान बनाना, दादा दादी नाना नानी के घर जाना और उनसे खूब सारा प्यार पाना और फिर मम्मी से ये बहाना बनाना कि कैसे कुछ दिन और मिल जाएं। वो भी क्या दिन थे, पता नहीं था कि एक दिन वो दिन कहीं खो जाएंगे और हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाएंगे, ना रहेगा वो बेपरवाह मिजाज और ना रहेंगी वो शैतानियां, हम बस चलते ही चले जाएंगे और वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। वाह, कितनी खूबसूरत कविता थी ये। इसे सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बिल्कुल, तो क्यों ना इस समय हम रिबेका की मम्मी पापा से रिबेका की बचपन की कुछ कहानियां सुने। मेरे बचपन की या बड़े होते हुए कोई याद जो आपको है, जो आपके मन में अभी भी है? वैसे तो बहुत यादें हैं, मगर एक बहुत अच्छी याद है, जब तू थर्ड या फोर्थ में मतलब स्कूल में जाती थी। हाँ, आपके स्कूल में जब किसी बच्चे का बर्थडे होता था, हाँ, तो जो वहाँ पे टॉफी या चॉकलेट जो भी मिलता था, तो उसको तो स्कूल में खाती नहीं थी, घर में वो वापस लेके आती थी और उसको आगे कई टुकड़ों में तोड़ के हम सबको बांट के। अच्छा, ये बहुत अच्छी था। वाव, इसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ये बातें भूल ही गई थी, लेकिन माँ बाप छोटी छोटी बातों को अपने बच्चों की याद रखते हैं। एंड आई थैंक गॉड फॉर माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्यारा बचपन दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये देखकर रिबेका। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना और हमारी उम्मीद है कि आपका जो बुरा व्यवहार हुआ है आपके बचपन में, उससे आप हीलिंग पाए हैं, आप जान गए हैं कि यीशु आपसे प्रेम करता है और आप दूसरों को भी क्षमा किए हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में बढ़ें। जी बिल्कुल, और जाते जाते दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं, ए यीशु नासरी। आप इसे सुने और इसका आनंद ले। सो एंजॉय दिस सॉन्ग एंड एंजॉय योर न्यू यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।